कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला। एक ओर सीएम ने मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास दो घंटे मौन धरना दिया, दूसरी ओर कांग्रेस भी ग्वालियर में सिंधिया की सभा में किसान की मौत पर मौन धरना देने की अब बात कह रही है। घटनाएं हैं और घटनाओं को लेके जो है प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। जो मौन व्रत भी एक तरह का पाखंड है, मौन व्रत भी जो है इवेंट बनाने की चेष्टा है। ये जो है किसान की मौत को क्यों इवेंट नहीं बना रहे, उस पर भी तो मौन व्रत रख सकते थे साथ में। और ये दो घंटे से ज़्यादा मौन भी नहीं रह सकते, ढोंगी लोग हैं, क्योंकि मौन व्रत तो होता है 24 घंटे का कम से कम, तो 24 घंटे ही मौन रह लेते, लेकिन अंदर तो भरा हुआ है, जहर उगलना है तो कहाँ से करेंगे। तो 2 घंटे का मौन व्रत कर लिया उन्होंने, 2 घंटे का कोई मौन व्रत होता है? आपको हैरानी होगी जान के कि सिंधिया जी की सभा में जिस किसान की मृत्यु हो गई, उस किसान के मुंह पे कपड़ा डाल दिया, पुलिस कह रही है हटाओ इसको, ये और 1 मिनट का मौन व्रत धारण करने का जो है मंच से अनाउंसमेंट हुआ, 27 सेकंड बाद जो है सिंधिया जी भाषण देना चालू कर दिया। तो जो लोग 27 सेकंड 28 सेकंड भी जो है मौन नहीं रह सकते किसी किसान की मृत्यु में, वो लोग इसके प्रदेश में दावा कर रहे थे कि किसानों के लिए मैं सड़क पर उतर जाऊँगा, मंच से तो उतर नहीं पाए। तो ये ढोंगियों और पाखंडियों की पार्टी है, और इस ढोंग और आडंबर से ये सोचते हैं कि इन्हें वोट मिल जाएंगी। जनता समझदार हो चुकी है, ये मध्य प्रदेश अब जो है 2008 का 2007 का मध्य प्रदेश नहीं है, बहुत सजग जनरेशन सामने आ चुकी है, और मामा जी की दुकान बंद कर देगी वो, जैसी 2018 में बंद की उन्होंने। और चलिए इस वक्त